यहाँ पर? पर मुझे डर लग रहा है। अरे बाबा, डरने की कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना। पर अगर बारिश आ जाएगी तो हम लोग भीग जाएंगे और मुझे भीगने से बहुत डर लगता है। बिल्कुल नहीं भीगेंगे, मैं अपने पंखों से तुम दोनों को ढक दूंगी, ठीक है? तो फिर तुम भी भीग जाओगी माँ? उससे मुझे कुछ भी नहीं होगा। काश हमारे पास भी मनुष्य की तरह पक्का घर होता तो फिर हमने से कोई भी नहीं भीगता। माँ एक बार महाराज से बात करिए ना। हम सब तो पंछी हैं, हमारे लिए कौन फिक्र करता है। चलो चलो, अब तुम लोग सो जाओ। देखो देखो महाराज, आज कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो तो सही। हाँ दीदी, सही कहा, आज महाराज का जन्मदिन है। महाराज, इतनी सुबह सुबह मैंने उठकर आपके लिए बहुत ही अच्छी खीर बनाई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, मजे से खीर खाने की तुलना कोई नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महाराज, अब क्या हुआ? आपने कहा था कि आप अपने जन्मदिन के अवसर पर हमें 10-10 सोने के नगीने देंगे, है ना? आपको आपका वादा याद है ना? क्या कहा, एक नहीं दो नहीं, 10-10 सोने के हार। मैं क्या तुम लोगों को अलादीन का जिन दिखाई दे रहा हूँ या फिर कोई पैसे छापने की मशीन हूँ? पूरा दिन बस खाती सोती रहती हो और गहने मांगती रहती हो। अरे रे, ये क्या हो गया, राजा कितना झूठ बोलते हैं। हमें सोने के नगीने का वादा देकर अब सिर्फ खाने से ही हमें निपटाने वाले हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। लोगों के साथ वादा करके मुझे तोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, हर बात में भै 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 करके बस रोना बस रोना। ओ मेरी माँ, देखो देखो, आपके दामाद ने हमें रोने वाली कहा। माँ अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे, नहीं रहना हम यहाँ, बिल्कुल नहीं रहना चाहते। जरा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। दूंगा सबको 10-10 सोने के हार दूंगा, अब चुप करो चुप करो। सच में महाराज, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ सच में बहुत अच्छा है, सच में महाराज बहुत अच्छा है। चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। सभी सभी यही रुको, मैं कोषागार जाकर गहने ले आता हूँ, ठीक है? हाँ रुक जाओ। आप सच में बहुत अच्छे हैं। क्या मोहरे कहाँ गई, सोने की मोहरे कहाँ गई, किसने चोरी कर ली? मंत्री मंत्री, इतनी हिम्मत है? मेरे संदूक से मोहरे चोरी हो गई है। मंत्री ए मंत्री, क्या हुआ महाराज? और क्या होने का बाकी रह गया है, मेरी सारी मोहरे चोरी हो गई है। राजा के घर में चोर? अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे घर में चोर है? कैसे पता चला तुम्हें? इसका मतलब तुमने ये सब करवाया है। रेरी, इस मंत्री को बंदी बना लो, बंदी बना लो। बाप रे, मैं कुछ भी नहीं जानता महाराज, मैंने चोरी नहीं की। महाराज, आपने अपना वादा करके वादा क्यों तोड़ दिया? ये किसकी बात है महाराज? राजा झूठे और बंदी। देखो मंत्री, अगर चोर को पकड़ लिया तो उसकी गर्दन काटूंगा और अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम्हारी गर्दन, समझे ना? अब तुम ही फैसला करो कि क्या करना है। अरे बाप रे, ये कैसी असमंजस वाली बात है। महाराज, क्या आप मुझे पूरी घटना बताएंगे, हुआ क्या? तू सुनकर करेगी क्या बदमाश चिड़िया? ठीक है तो मैं यहाँ से जाती हूँ और आप अपनी बेवकूफ रानियों के साथ चोर पकड़िए। देखिए महाराज, टूनी हमको आपके सामने बेवकूफ कह रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो टूनी, मेरे सोने के कमरे में तकिए के नीचे से चाबी लेकर चोर ने मेरा कोषागार खोल कर सारी मोहरे और गहने चोरी कर लिए है। मैं चोर को पकड़वा सकती हूँ,
देती हूँ, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, क्या, क्या क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या मुझे चाहिए? एक पक्का घर चाहिए। देखो तो, अब क्या पक्षी भी इंसानों की तरह पक्के घर में रहेंगे? तेरा तो शौक भी कम नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुझे पक्का घर बनवा कर दूंगा। अब जरा बता तो, चोर कौन है? आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आपके किसी करीबी ने ही चोरी की है। ये क्या कह रही हो, मेरे किसी करीबी ने? हाँ, जो आपके सोने के कमरे में आता जाता हो। सोने के कमरे में आना जाना? इसका मतलब तो प्रधान, पहरी, दास, दासी और आपकी रानिया। हाँ, हाँ, ये भी हो सकता है। आप क्या बोल रहे हैं राजा जी? आप हमें चोर कैसे बोल सकते हैं? आप हमारे बारे में कैसे बोल सकते हैं? चुप, चुप, एकदम चुप। एक तो मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से ये लोग कान के सामने सियार की तरह कीर्तन कर रहे हैं। महाराज, हम लोगों के साथ महाराज आप सबको यहाँ आने के लिए कहिए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ये बताओ कि महाराज के तकिए के नीचे से चाबी किसने चुराई? ओहो, ये क्या कह रही है? मैं दो बार महल साफ करने आती हूँ, पर महाराज के सोने के पलंग की तरफ झांक कर भी नहीं देखती। मैं महाराज के सोने वाले कमरे के बाहर पहरा पे रहता हूँ, बात सही है, पर कभी भी कमरे के भीतर पैर नहीं रखा। महाराज का सब कुछ तो हमारा ही है, तो हम चाबी क्यों लेंगे भला? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। ये समान माप की मंत्र युक्त लकड़ी सभी को एक एक देती हूँ, तुम सब कल सुबह आकर मुझे लौटा देना। जो असली चोर है, एक रात में उसकी लकड़ी एक उंगली बड़ी हो जाएगी, ठीक है? ना बाबा ना, अगर सच में लकड़ी बड़ी हो गई, तो इससे अच्छा है मैं इसे काट कर थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। बस हो गया, पर इसके बाद भी अगर ये बड़ी हो गई, ना बाबा, इससे अच्छा है इसे मंजली रानी की लकड़ी से बदल लेती हूँ। हाँ, इसका मतलब मंत्र युक्त लकड़ी बड़ी ही नहीं। नहीं महाराज, कोई मंत्र नहीं था, वो तो मैंने डराने के लिए कहा था। छोटी रानी ही आपकी मोहर चोर है, सोचा था कि लकड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हिसाब से काट दिया, है ना छोटी रानी? सही कहा ना? नहीं नहीं, तीसरी रानी की लकड़ी मैंने अपने हाथों से बदल दी थी, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तूने ऐसा किया? मैंने तो छोटी रानी के साथ बदल दिया। और मैंने फूल रानी के साथ बदल दिया था, मैं भी क्यों पीछे रहूं? और मैंने तो बड़ी रानी के साथ बदल दिया था। मजा आया। महाराज देखिए, आपकी सातों रानियां ही चोर हैं। हर एक ने पकड़े जाने के डर से अपनी अपनी लकड़ी बदल ली। मजा आया। ची, 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 ची। तुम सबने ये क्या किया? मैंने सोचा कि अगर मेरे हिस्से में कम कहने आए तो बस एक दो
लकड़ी बदल दी थी। हाँ मैंने भी वही किया। हाँ मैंने भी वही किया। हाँ मैंने भी वही किया। मैं जब वहाँ पहुँची थी तो मैंने सिर्फ वहाँ पर दो हार ही देखे थे, मैंने कोई मोहर वोहर नहीं देखे, तो फिर सब गया कहाँ? हाँ हाँ सच में तो फिर बाकी टिकने और मोहरे किसने ली है? हाँ किसने ली? महाराज ये देखिए, बची हुई सारी लकड़ियाँ भी छोटी हैं। इसका मतलब मंत्री जी, आपकी दासी, आपका प्रहरी सभी चोर हैं। मंत्री जी महाराज, वो छोटी रानी जी को गहने निकालते हुए देखकर सोचा कि आप बीच बीच में कभी वेतन नहीं देते हैं ना, इसलिए पत्नी के लिए दो गहने ही ले लेता हूँ। पर प्रहरी तूने क्यों लिया? अरे वाह 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 वाह, मंत्री होकर आप चोरी कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकता? हम आपसे बहुत ज्यादा काम करते हैं, पर दासी ने क्यों लिया? ये क्या बात हुई, मैंने देखा कि सारे प्रहरी बोरियां लेकर निकल रहे थे तो मैं क्यों पीछे रह जाती? मैंने भी अपने थैले में गहने भर लिए और क्या। मजा आया, पूरे राज्य को मिलेगी सजा, रानी चोर, मंत्री चोर, राजा के घर में सभी चोर। मजा आया, पूरे राज्य को मिलेगी सजा। चुप, तू ही सारी मुसीबत की जड़ है। हाँ हाँ तू, इससे तो चोरी ना ही पकड़ा जाता तो ही अच्छा होता। तेरा घर नहीं बनेगा, नहीं तेरा घर कभी नहीं बनेगा। जब भाग यहाँ से, भाग। क्या? मेरा पक्का घर नहीं बनेगा? दुष्ट राजा, अब तुम्हें मिलेगी सजा। अरे मेरा मुकुट, ए मुकुट, रुक जा। रुक जा, मैंने कहा रुक जा। बदमाश राजा के सिर पर मेंढक करेगा टर टर। मजा आया, बदमाश राजा के सिर पर मेंढक करेगा टर टर।